आप सभी को हमारा आज का हीरो इंडियन सुपर लीग के प्रेडिक्शन गेम प्ले पर हैदराबाद एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी जीएमसी एथलेटिक स्टेडियम से आज का प्रेडिक्शन गेम प्ले हम लोग करने जा रहे हैं। दोनों टीम्स का स्टैंडिंग्स में सबसे पहले बताऊंगा, हैदराबाद एफसी जो है सबसे ऊपर है इस लीग में, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया है इस सीजन पर, 18 मैचेस में 10 जीत 5 ड्रॉ और सिर्फ 3 मैचेस हारे हैं, 35 पॉइंट्स पर है। जहां पे हमारा यहां पे जो टीम है उनके अगेंस्ट जमशेदपुर एफसी 17 मैचेस पर 10 जीत 4 ड्रॉ 3 मैचेस हारे हैं, 34 पॉइंट्स पर है, सेकंड पोजीशन पर है। मतलब आज का जो लड़ाई हम लोग देखेंगे दोस्तों बहुत ही कठिन होगा दोनों टीम्स के लिए। हैदराबाद एफसी का लाइनअप बर्तलेमियो को बेचे द हाईएस्ट स्कोरर इस सीजन का यहाँ पे हैदराबाद के लिए खेल रहे हैं और पीछे हैदराबाद का कट्टी मनी ऑल फेवर्स द ब्रेव कट्टी मनी बेहतरीन गोलकीपर है। यहाँ पे जमशेदपुर एफसी का लाइनअप हम लोग देख लेंगे और डेनियल चिमाचुक के सामने से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे ग्रेग स्टुअर्ट और बैकलाइन पे गोलकीपर के जगह पे खेल रहे हैं यहाँ पे टीपी रहनेश। शुरू करेंगे फर्स्ट हाफ यहाँ पे हैदराबाद द्वारा। आप सभी हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए कि क्या होने वाला है आज के मैच का रिजल्ट, यहाँ पे क्या हैदराबाद एफसी जीत जाएंगे और फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेंगे या जमशेदपुर एफसी ओवरटेक करेंगे आज हैदराबाद एफसी को और पहला पोजीशन हासिल करेंगे। यहाँ पे हैदराबाद एफसी की आगे बढ़ने की प्रयास शुरुआती मोमेंट्स पर बर्तलेमियो ओगोबेचे का पीछे पास जोएल चियानीज से बॉल छीन रहे हैं यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट का पास डेनियल चिमाचुकवे डोंगल के पास बॉल डोंगल का चिप पास वहां पे जुआनन खड़े थे जिसके कारण कोई परेशानी नहीं करता होगा। जुआनन का पीछे पास कट्टी मनी सेफ जोन चिंगलेंगसना सिंह हैदराबाद इन पोजीशन जोएल विक्टर का पास चिंगलेंगसना सिंह का लंबा बॉल लॉन्ग पास पीटर हार्टले वहां पे कोई गलती नहीं करता हुआ हेडर क्लियरेंस ग्रेग स्टुअर्ट से प्रणॉय हल्दार यहां पे जमशेदपुर का पास डेनियल चिमाचुकवे का शॉट लेकिन बेहतरीन पास वहां पे हम लोग को देखने को मिला यहां पे प्रणॉय हल्दार द्वारा बेहतरीन कर्लर पास था वहां पे डेनियल चिमाचुकवे पूरा एकदम ओपन था वहां पे डेनियल चिमाचुकवे के लिए लेकिन रख नहीं पाए ऑन टारगेट जिसका जरूर दुख होगा यहां पे हैदराबाद एफसी के अगेंस्ट। ज्यादा चांसेस नहीं मिलने वाला जमशेदपुर को लेकिन जो भी मिलेगा यहाँ पे पूरा फायदा उठाना पड़ेगा यहाँ पे जमशेदपुर के लिए इस मैच में बने रहने के लिए। चिंगलेंगसना सिंह का सीधा लंबा पास यहाँ पे रोहित दानू के लिए ग्रेग स्टुअर्ट के पास बॉल ग्रेग स्टुअर्ट का पीछे पास डेनियल चिमाचुकवे के लिए लेकिन ऑफ साइड पोजिशन पर थे डेनियल चिमाचुकवे। फ्री किक मिलता हुआ यहाँ पे हैदराबाद को चिंगलेंगसना सिंह ले रहे फ्री किक यहाँ पे पहला फ्री किक इस मैच का आकाश मिश्रा का पास शोविक चक्रवर्ती से जाओ विक्टर का पास जोएल चियानीज यहाँ पे एक बेहतरीन पोजीशन पर पास देने की प्रयास लेकिन मुबशीर रहमान के पास बॉल पास करता हुआ डोंगल का गलत पास यहाँ पे ओगोबेचे बर्तलेमियो ओगोबेचे के पास बॉल वहां पे पीटर हार्डले का बेहतरीन इंटरसेप्ट डिस्पोजेस करता हुआ बर्तलेमियो ओगोबेचे को यहाँ पे पास मुबशीर रहमान को डिस्पोजेस करता हुआ यहाँ पे हैदराबाद एफसी आगे बढ़ने की ज्यादा चांसेस नहीं देते हुए यहाँ पे जमशेदपुर एफसी को हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मोहम्मद यसीर का पास जोएल चियानीज पीटर हार्टले हर जगह मौजूद आज यहाँ पे जमशेदपुर का डिफेंडिंग लाइन पे कैप्टन लीड कर रहे पूरा डिफेंसिव लाइन को सजा के रखे हर जगह पे डिस्पोजेस कर रहे हैं। आज की पहली शुरुआती फर्स्ट हाफ में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक फाउल दिया है रेफरी ने पीटर हार्टले के अगेंस्ट पे जरूर देखेंगे यहाँ पे फ्री किक में क्या हैदराबाद एफसी इस फ्री किक को काम लगा पाएंगे। बेहतरीन पोजीशन से ये फ्री किक बर्तलेमियो ओगोबेचे का क्रॉस और वहां पे ऑन गोल हो सकता था लेकिन बच गए यहाँ पे जरूर मैं कहूंगा जमशेदपुर एफसी। कॉर्नर मिलता हुआ यहाँ पे हैदराबाद को ले रहे जोएल चियानीज कॉर्नर का क्रॉस देता हुआ वहां पे रोहित दारू का हेडर बॉल मोहम्मद असीर शॉट लिया बर्तलेमियो ओगोबेचे बेहतरीन सेव वहां पे टीपी रहनेस द्वारा दो सेव किया वहां पे रिप्ले जरूर नहीं देख पाए यहां पे रिप्ले नहीं दिखाता हुआ जोएल चियानीज का पास आकाश मिश्रा से रोहित दानू का क्रॉस और बर्तलेमियो ओगोबेचे का हेडर दोबारा से लेकिन ऑन टारगेट नहीं नेट मिल नहीं रहा यहाँ पे कॉर्नर मिलता हुआ दोबारा से हैदराबाद एफसी जोएल चियानीज शॉट कॉर्नर लिया शौविक चक्रवर्ती का टर्न वहां पे दो प्लेयर पीटर हार्टले और लल्ला वहां पे प्रेशर बनाते हुए बर्तलेमियो ओगोबेचे रोहित दानू दोबारा से यहाँ पे आकाश मिश्रा और डिस्पोजेस हो गए यहाँ पे बॉल नो मैन्स लैंड पर
ले लिया है यहाँ पे जमशेदपुर का डेनियल चिमाचुकवे के पास, पीछे लल्ला, लल्ला का सीधा पास, मोहम्मद असीर इंटरसेप्शन करता हुआ यहाँ पे, लेकिन डिस्पोजेस हो गया मुबशीर रहमान द्वारा। जमशेदपुर एफसी भी हैदराबाद को आगे ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहे जरूर, लेकिन बेहतरीन डिफेंडिंग कर रहे यहाँ पे जमशेदपुर एफसी भी। डोंगल के पास बॉल, यहाँ पे 24 मिनट का खेल हो चुका है, नील नील है स्कोर, और डोंगल कंट्रोल नहीं कर पाए बॉल, थ्रो इन आकाश मिश्रा से सौभिक चक्रवर्ती का पास, जुएल चियानीज हैदराबाद वासलिमो को बेचे, यहाँ पे अपने पास बॉल नहीं रख पाए, पीटर हार्टले दोबारा से यहाँ पे इंटरसेप्ट करता हुआ, चाओ विक्टर, मोहम्मद असीर का थ्रू पास यहाँ पे बेहतरीन पोजीशन, बर्टलेमी ओगोवेचे का पास, शॉट, और ये गोल, बर्टलेमी ओगोवेचे ने फिर से अपने आप को यहाँ पे प्रूव किया है, इसीलिए द हाईएस्ट गोल स्कोरर है इस सीजन में, ऐसे ही नहीं बन पाते हैं कोई, बेहतरीन शॉट लिया है वहां पे बर्टलेमी ओगोवेचे ने, वहां पे स्लाइट डिफ्लेक्शन था शायद, लेकिन बेहतरीन शॉट बीट करता हुआ यहां पे जमशेदपुर एफसी, पीपी रहनेश को कोई मौका नहीं मिलता हुआ, स्लाइट डिफ्लेक्शन वहां पे, लेकिन हैदराबाद एफसी यहां पे एक गोल से आगे जा चुके हैं, कोई परेशानी नहीं हैदराबाद को, प्रेशर में आएंगे अभी जमशेदपुर एफसी, 28 मिनट के अंदर अंदर पहला गोल आता हुआ यहाँ पे हैदराबाद के लिए, पीटर हार्टले से लल्ला, लल्ला से ऋतिक दास, आप बार्टलेमी ओगोवेचे जैसे प्लेयर है यहाँ पे, जिस सीजन में जैसे फॉर्म पर है, जमशेदपुर को ऐसा अटैक्स बार बार फेस करना पड़ेगा हम लोग जानते हैं, और यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा जमशेदपुर को, नहीं तो यहाँ पे बार बार गोल आ सकता है। यहाँ पे नरेंद्र गहलोत का क्रॉस, डेनियल चिमाचुकवे का शॉट, रॉकेट था, ऑन टारगेट नहीं थे, नहीं तो ये बेहतरीन एक लेजेंडरी गोल हो सकता था, यहाँ पे देखने लायक गोल हो सकता था, यहाँ पे बेहतरीन कोशिश डेनियल चिमाचुकवे द्वारा, बाइसाइकिल किक, ऑन टारगेट नहीं थे, थोड़े से इंचेस के लिए शायद निकल गए इस बार। चिंगलैंग सना सिंह से जोएल विक्टर, यहाँ पे जमशेदपुर एफसी यहाँ पे ये प्रूफ करता हुआ कि हैदराबाद को भी यहाँ पे अटेंटिव रहना पड़ेगा, नहीं तो वो भी गोल दाग सकते हैं यहाँ पे, वही बताते हुए यहाँ पे जमशेदपुर एफसी फिर से बेहतरीन एक फाउल किया इस बार रेफरी, यहाँ पे कोई येलो कार्ड नहीं दिखाता हुआ, सीधा वार्निंग देखिए छोड़ रहे इस बार के लिए, मोहम्मद यसीर के ऊपर यहाँ पे गुरुंग का फाउल। यहाँ पे फ्री किक मिलता हुआ दोबारा से यहाँ पे हैदराबाद एफसी, तीसरा फ्री किक इस मैच का, ले रहे जाओ विक्टर, जाओ विक्टर का शॉर्ट पास, चिंगलेंग सना सिंह, चिंगलेंग सना सिंह के पास बॉल, सीधा पास करता हुआ जुएल चियानी से बर्टलेमी ओगोवेचे के लिए, लेकिन एलिस साबिया वहां पे थे, ऋतिक दास, मुबशीर रहमान से प्रणय हलदार का पास, मुबशीर रहमान दोबारा से इस बार आगे बढ़ने की कोशिश जमशेदपुर द्वारा, पास करता हुआ ग्रेग स्टुअर्ट, ग्रेग स्टुअर्ट का शॉट लॉन्ग रेंजर, और ये बेहतरीन शॉट लिया था वहां पे ग्रेग स्टुअर्ट ने, थोड़े से शायद बार पोस्ट पे थोड़ा सा टच भी किया बॉल, और बेहतरीन शॉट था वहां पे, और कट्टी मनी को बीट करने से थोड़ा इंचेस के लिए चूक गए यहां पे जमशेदपुर एफसी, यहां पे काउंटर अटैक पे थोड़ा घातक दिखते हुए। 36 मिनट का खेल हो चुका है समाप्त, यहां पे हैदराबाद सिटी यहां पे आपका एक गोल से आगे है, जमशेदपुर एफसी जहां पे नील अभी तक चांसेस मिला है जमशेदपुर को, लेकिन अभी तक गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए, एक सुपर टैकल नरेंद्र गहलोत द्वारा, रेफरी यहां पे कोई फाउल नहीं, लेकिन ले लिया है बॉल हैदराबाद ने दोबारा से, शोभिक चक्रवर्ती से बर्टलेमी ओगोवेचे, जाओ विक्टर का पास, बेहतरीन वहां पे जोएल चियानीज, लेकिन वहां पे टीपी रहनेश कलेक्ट करेंगे बॉल को, बेहतरीन डिफेंडिंग वहां पे, इंटरसेप्शन प्रणय हलदार, जमशेदपुर द्वारा काउंटर अटैक, अभी ग्रेग स्टुअर्ट से छीन लिया बॉल, जाओ विक्टर, रोहित तारू ऑन द बॉल, पीछे पास करता हुआ आकाश मिश्रा, आकाश मिश्रा से जुआनान, यहाँ पे 2 मिनट का नॉर्मल टाइम बाकी फर्स्ट हाफ खत्म होने में, और एडिट टाइम अभी तक दिया नहीं है रेफरी ने, जुएल चियानी इसका पास, मोहम्मद यासीर, हैदराबाद एफसी यहाँ पे बॉल ले लिया है लल्ला ने, बेहतरीन 2 मिनट का एडिट टाइम यहाँ पे, जमशेदपुर का एलिस साविया से नरेंद्र गहलोत का पास, प्रणय हलदार से मुबशीर रहमान, यहाँ पे
सीधा पास करता हुआ डोंगल के लिए, क्या पहुंच पाएंगे डोंगल? नहीं, यहाँ पे आकाश मिश्रा बॉल ले लेता हुआ, यहाँ पे कट्टीमनी का क्लियरेंस, और यहाँ पे फर्स्ट हाफ का खेल यही समाप्त होता है। स्कोर लाइन है हैदराबाद FC 1 जमशेदपुर FC 0। हाफ टाइम टीम टॉक दोनों टीमों के कोच द्वारा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है जरूर। यहाँ पे हाफ टाइम के बाद हम लोग स्टैट्स थोड़ा देख लेंगे। 60% पोजीशन पर हैदराबाद FC, जहाँ पे जमशेदपुर FC को सिर्फ 40% पोजीशन मिलता हुआ। 3 शॉट्स लिए है हैदराबाद ने, 2 ऑन टारगेट। जमशेदपुर भी 3 शॉट्स लिए लेकिन शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पा रहे जमशेदपुर FC। फर्स्ट हाफ में 3 फाउल्स किए जमशेदपुर ने, 1 ऑफसाइड। और यहाँ पे पासेस हम लोग देख ले सकते हैं, 74 पासेस में से 62 सक्सेसफुल पासेस और 46 में से 36 सक्सेसफुल पासेस यहाँ पे जमशेदपुर के लिए। हैदराबाद FC थोड़ा डोमिनेट किया यहाँ पे फर्स्ट हाफ, लेकिन जरूर जमशेदपुर FC इस गेम को घुमा सकते हैं किसी भी मोमेंट पर। शुरू करेंगे हम लोग हमारा सेकेंड हाफ। आप लोग सर जरूर हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए कि आपका क्या प्रेडिक्शन है, क्या जमशेदपुर FC वापस आ पाएंगे, क्या जमशेदपुर FC फर्स्ट पोजीशन पे जा पाएगा या फर्स्ट पोजीशन होल्ड करेगा हैदराबाद FC ही। यहाँ पे मुबशीर रहमान जमशेदपुर FC। सेकेंड हाफ स्टार्ट करते हुए ऋतिक दास के पास बॉल, ऋतिक दास समय लेता हुआ, लल्ला का ओवरलैप रन लेकिन इंटरसेप्शन वहां पे। प्रोविन जाओ विक्टर, जाओ विक्टर से इंटरसेप्ट हो गया वहां पे। लल्ला, लल्ला के पास बॉल, लल्ला का थ्रू पास सीधे वहां पे डेनियल चिमाचू कुए के पास चांस, लेकिन जुआनान क्लियर करता हुआ यहां पे थ्रो इन मिलेगा जमशेदपुर FC को। हम लोग पहले ही शुरुआती मोमेंट्स पर देख रहे हैं जमशेदपुर FC थोड़ा बेटर फर्स्ट हाफ से। यहां पे जॉर्डन मोरे को लाया गया है डेनियल चिमाचू कुए का, एक अर्ली सब्स्टिट्यूट कोच दीवारा यहां पे। थ्रो इन लेता हुआ यहां पे पास ग्रेग स्टुअर्ट, ग्रेग स्टुअर्ट अपने पास बॉल रख रहे हैं, यहां पे कोई जल्दबाजी नहीं करता हुआ। लल्ला का ओवरलैप रन, क्रॉस लल्ला का वहां पे, डोंगल का हेडर और सीधे कट्टीमनी के हाथ में। यहां कट्टीमनी का पास मोहम्मद यासीर को ढूंढता हुआ वहां पे। चिंगलेंग सना सिंह से आशीष राय, हैदराबाद FC ऑन द रन। आशीष राय के पास बॉल, सीधा लॉन्ग बॉल ओगोबेचे के लिए, लेकिन वहां पे गुड डिफेंडिंग कहेंगे। ऋतिक दास के पास बॉल, जमशेदपुर FC क्या गोल पाएंगे जरूर यहाँ पे हम लोग जरूर जानते हैं। यहाँ पे सेकेंड हाफ में शायद गोल तो जरूर आएगा, मेरा दिल कह रहा है यहाँ पे कि गोल जरूर आएगा, लेकिन ग्रेग स्टुअर्ट यहाँ पे शॉट, अच्छा प्रयास ग्रेग स्टुअर्ट द्वारा, कट्टीमनी का सेव वहां पे। कट्टीमनी का पास यहाँ पे लॉन्ग बॉल जोएल चियानिस के लिए, जोएल चियानिस का हेडर, लेकिन बॉल जाएगा मुबशीर रहमान से। जॉर्डन मोरे अभी अभी आए हैं यहाँ पे, पास करता हुआ ग्रेग स्टुअर्ट, जॉर्डन मोरे नहीं ले पाए। रोहित दानू के पास बॉल, हैदराबाद FC ऑन द रन अभी। बर्टलिमी ओगोबेचे का पास, जोएल चियानिस से रोहित दानू, बेहतरीन खेल वहां पे। रोहित दानू क्रॉस देता हुआ जोएल चियानिस, लेकिन नहीं, टीपी रहने झपटी मार के जैसे कि बॉल ले लिया वहां पे, पहले से जानते थे कहां पे पोजीशन होगा बॉल और पूरा फायदा उठाया वहां पे। मुबशीर रहमान का पास, लल्ला, लल्ला से थ्रू पास ऋतिक दास स्पीड पोस्ट दे से, देखिए यहाँ पे स्पेस बनाते हुए क्रॉस दिया, ग्रेग स्टुअर्ट का शॉट, यहाँ पे डोंगल का शॉट ब्लॉक हो गया। दो शॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स दो बार यहाँ पे हैदराबाद FC द्वारा। एली साबिया, प्रणय हल्दर के लिए बॉल, रोहित दानू ने लिया है जोएल चियानिस से। रोहित दानू दोबारा से थ्रू पास, बर्टलिमी ओगोबेचे यहाँ पे बॉल कलेक्ट करता हुआ, अभी भी अपने पास बॉल, बैक पास जोएल चियानिस, अरे नहीं नहीं नहीं, लल्ला के पास बॉल, क्लियरेंस देता हुआ रोहित दास बॉल, ऋतिक दास से मुबशीर रहमान से प्रणय हल्दार बॉल ले लिया है यहाँ पे। प्रणय हल्दार का पीछे पास, नरेंद्र गहलोत से सीधे डोंगल के पास बॉल, ग्रेग स्टुअर्ट जॉर्डन मोरे के लिए पास किया था वहां पे, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक, पीटर हार्टले वहां पे अटैक पे जा रहे हैं, यहाँ पे बर्टलिमी ओगोबेचे के ऊपर फाउल करना पड़ा यहाँ पे पीटर हार्टले को, और कोई चारा नहीं था वहां पे पीटर हार्टले के पास, नहीं तो यहाँ पे दूसरा गोल आने का पूरी संभावना था। बेहतरीन कैप्टन रोल यहाँ पे इसीलिए नहीं दिया गया, यहाँ पे पीटर हार्टले अपना एक्सपीरियंस को यूज करते हुए, यहाँ पे अपना तजुर्बा को यूज करते हुए वहाँ पे तुरंत फाउल किया, बेहतरीन फाउल मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे। एक सब्स्टिट्यूशन, कमारा को लाया गया है आकाश मिश्रा के जगह पे, फ्री किक वहां पे, ओगोबेचे के पास बॉल, क्या कुछ कर पाएंगे बर्टलिमी ओगोबेचे, डिस्पोसेस हो गया वहां पे, लेकिन वहां पे ओगोबेचे के पास अभी भी बॉल, ओगोबेचे से ले लिया है यहां पे एली साबिया,
अभी अभी आए यहाँ पे एलेक्स, एलेक्स के पास बॉल, पास करता हुआ जॉर्डन मुरे के लिए, लेकिन चिंगलेंगसाना सिंह पास कर देगा। कट्टी मनी का क्लियरेंस पास यहाँ पे बर्थेलिमो को पेशेंस के लिए, लेकिन वहाँ पे पीटर हार्टले, ग्रेग स्टुअर्ट, नरेंद्र गहलोत, जमशेदपुर एफसी द्वारा। यहाँ पे आज का जो मैच है यहाँ पे बेहतरीन होने हो रहा है। यहाँ पे मैच जाल चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पे एंड टू एंड पूरा बैटल जैसा कि होना चाहिए। दोनों टीम ऐसे ही ऊपर नहीं है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन की लड़ाई हमेशा। यहाँ पे एक चांस हो सकता था और ओ माय गॉड, वहां पे जॉर्डन मोरे का एक एक्सक्यूजिट शॉट जो कि सेफ किया कट्टी मनी ने, बेहतरीन मैं कहूंगा। देख सकते हम लोग यहाँ पे बैक वाली कट्टी मनी वहां पे जरूर अपने आप को बेहतरीन सेलिब्रेट करता हुआ यहाँ पे, और ऑसम ऑसम प्रयास वहां पे जॉर्डन मोरे द्वारा। कॉर्नर मिला यहाँ पे, रोहित तारू के जगह पे एडू गार्सिया आए हैं, यहाँ पे एक अटैकिंग क्रॉस और फिर से क्लियर करता हुआ यहाँ पे लल्ला का शॉट, लॉन्ग रेंजर ब्लॉक जोनान द्वारा, पास यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट, और फिर से यहाँ पे चला गया बॉल। क्लियरेंस के बाद भी जमशेदपुर पूरी अटैकिंग मूड पर, ग्रेग स्टुअर्ट का शॉट, और ये ग्रेग स्टुअर्ट का एक व्हाट ए गोल मैं कहूंगा, व्हाट ए कमबैक, एक के बाद एक अटैक करता रहा वहां पे जमशेदपुर एफसी। हार कभी नहीं माना यहाँ पे जमशेदपुर एफसी ने, बार बार बैक टू बैक अटैक करता हुआ यहाँ पे, लास्ट में ग्रेग स्टुअर्ट का एक ऑसम गोल देखने को मिला। देख सकते हैं पोजीशन लिया, शॉट लिया, कंट्रोल शॉट ग्राउंड में रखा, पता था वहां पे कट्टी मनी जरूर ऊपर की तरफ छलांग लगाएंगे, और सही फरमाया था वहां पे जॉर्डन मोरे ने, नीचे रखा बॉल और कट्टी मनी वहां पे लेट, सही दिशा पे यहां पे डाउन हुए थे लेकिन बॉल को रोक नहीं पाए। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन जमशेदपुर एफसी, 81 मिनट के अंदर अंदर मैच पे वापसी करते हुए यहां पे जमशेदपुर एफसी, क्या दूसरा गोल आ पाएगा यहाँ पे जो मैच चेंज कर पाएगा। बर्थेलिमी ओको बेचे के पास बॉल, पास करता हुआ जोएल चियानीस, एडू गार्सिया शॉट, अरे एडू गार्सिया वहां पे जरूर खुद को शॉट लेना चाहिए था एडू गार्सिया को, बर्थेलिमी ओको बेचे के लिए पास किया, लेकिन यहाँ पे जोएल चियानीस से नंदर गहलोत, और वहां पे एक फाउल हैदराबाद के अगेंस्ट में दिया गया, फ्री किक जमशेदपुर एफसी को। देख लेंगे हम लोग नरेंद्र गहलोत के ऊपर शायद फाउल लिया हो वहां पे बर्थेलिमी ओको बेचे द्वारा, लेट टैकल, बॉल पे टैकल नहीं किए और जिसके कारण यहाँ पे फ्री किक। सब्स्टिट्यूशन जमशेदपुर एफसी का, थाल को लाया गया ऋतिक दास के जगह पे, और नरेंद्र गहलोत के पास बॉल, पीछे बैक पास देता हुआ टीपी रनेश को, अच्छा प्रेसिंग वहां पे हैदराबाद द्वारा। 86 मिनट्स का खेल हो चुका है समाप्त, स्कोर लाइन अभी हैदराबाद एफसी 1 जमशेदपुर एफसी 1। दूसरा गोल के लिए आगे बढ़ रहे यहां पे ठटाल, क्रॉस दे पाएंगे, बेहतरीन ब्लॉक, और वहां पे रेफरी ने कोई विसल नहीं दिया, कोई फाउल नहीं वहां पे। हैदराबाद एफसी ऑन द रन, पास करता हुआ यहां पे ले लिया है बॉल ग्रेग स्टुअर्ट, ग्रेग स्टुअर्ट का पास जॉर्डन मोरे के लिए, लेकिन क्लियरेंस जोएल चियानीस से, जाओ विक्टर का पास जॉय बार्थेलेमी को बेचे, बार्थेलेमी को बेचे के लिए पास बेहतरीन, बार्थेलेमी को बेचे ऑन द रन, और बार पोस्ट ने डिनाई किया इस बार, बार्थेलेमी ओगोबेचे फेल करता हुआ लास्ट मिनट पर। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन हैदराबाद द्वारा, साहिल तमोरो का लाए गए यहाँ पे जोएल चियानीस के जगह पर, लास्ट मिनट खत्म हुआ यहाँ पे, ग्रेग स्टुअर्ट के जगह पे ईशान पंडिता, 2 मिनट का एडिट टाइम, अभी शायद रेफरी विसल बजाता होगा। साहिल तमोरा लास्ट चांस हैदराबाद एफसी के लिए, बार्थेलेमी ओगोबेचे क्या पर कर पाएंगे यहाँ पे गोल, बार्थेलेमी ओगोबेचे टर्न करता हुआ और पीछे पास, जाओ विक्टर अभी भी रेफरी कोई विसल नहीं देता हुआ, जॉर्डन मोरे, और यहाँ पे खत्म होता है आज का बैटल ऑफ द टॉप टेबल लीडर्स। यहाँ पे बेहतरीन खेल, पूरा एकदम चकाचक भरपूर ये मैच, उत्तेजनक मोमेंट्स से हम लोग देखे हैं यहाँ पे, लेकिन कोई भी टीम यहाँ पे 3 पॉइंट्स पूरा लेके नहीं जा पाए। आप सभी को अगर हमारा ये वीडियो असल अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी फैंस के लिए मर्चेंडाइज लिंक दिया गया है दोनों टीम्स का, जरूर चेकआउट कीजिएगा। मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।